आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का कल रात 3:30 बजे निधन हुआ। जीवन और मरण तो संसार का नियम है और इसी संसार के नियम के अनुसार आज माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया है। तो इसी संदर्भ में आज हरिद्वार के घाटों पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है। यह हम आपको ले चलते हैं हरिद्वार के घाटों पर, करते हैं शुरुआत। हेलो, दिस इज सीपी गोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में, वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट अस गो। तो हरिद्वार में लगातार ठंड पड़ती जा रही है, जैसे कि पहले येलो अलर्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया था 2 दिनों के लिए, लेकिन आज तीसरे दिन भी यहाँ पे ठंड लगातार बढ़ती हुई है। कोहरा लगातार यहाँ पर चल रहा है और कोहरा मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से धुंध यहाँ पे फैली हुई है, बिल्कुल भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है। ये हर हर गंगे, हर हर गंगे। साथियों, नम आंखों के साथ बताना पड़ रहा है और आप जानते भी हैं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हो चुका है, वो गंगा को विलीन हो चुके हैं। तो क्या करें, ये संसार का नियम है और हमारी वीडियो की शुरुआत होती है गंगा घाटों से। आज तक मैंने आपको हरिद्वार की सीरीज़ में कई घाट दिखाए हैं, तो पहले मैं आपको करवा देता हूँ गंगा जी के दर्शन और अंत में ले चलूँगा आपको कि आज जो है उनकी याद में उनकी जो श्रद्धांजलि अर्पित उनको कर दी गई है, जो जोत जला के गंगा जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी गई है उनकी माता जी के लिए, प्रधानमंत्री की माता जी के लिए, तो वो सब मैं आपको अंत में ले जाता हूँ। तो ये हैं आज के कुछ ताज़ा दृश्य हरिद्वार के, और ये घाट एकदम निकट घाट नेशनल हाईवे से, और यहाँ पर जो है एक शिवालय है जिस शिवालय को आपको मैंने बहुत करीबी से दिखाया है, अभी आगे जाके भी दिखाऊंगा, और जहाँ पे जो है शीश नाग टाइप में बनी हुई है मूर्तियाँ और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नाग अच्छा सा दिखता हुआ बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है और बनाया गया है इसको, इस शिवालय को। तो आप जो है गंगा जी के दर्शन कीजिएगा यहाँ पर। आज कुछ कहने का मन भी नहीं है, लेकिन आपका कुछ ना कुछ तो आपको कहना है, हमें कहना ही पड़ेगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं ये शिवालय बहुत ही बेहतर है, आप कीजिएगा इस शिवालय के दर्शन कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है और आप हरिद्वार से रिलेटेड या गंगा घाट से रिलेटेड इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तब जाके ही इस तरह की वीडियो उन भक्तजनों के पास, उन श्रद्धालुओं के पास पहुँच पाएगी जो हरिद्वार के घाटों पर नहीं आ पाते हैं और दूर से ही वीडियो का आनंद लेते हैं और गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ठंड का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा ही है और कोहरा सामने लगा हुआ है, ये कोहरा आप देख रहे होंगे। अभी जो समय है ये समय है शाम का समय, और शाम के समय आप हरिद्वार से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये आज की ताज़ा वीडियो है जो घाट से ली गई है। अभी आगे जाके शाम के टाइम का जो समय है वो समय रखा गया है प्रधानमंत्री जी की माँ की श्रद्धांजलि के लिए, वहाँ पर भी आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि भाजपा के कार्यकर्ता और अन्य साथीगण और अन्य जो लोग हैं जिनका जो है इस आस्था और प्रतीक जो दीपक का प्रतीक है इसमें जो आस्था उन लोगों ने अपनी बनाई हुई है, तो उस आस्था में वो श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी जी की मम्मी को दे रहे हैं, माँ जी को दे रहे हैं। और आज बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे कद्दावर नेता को पैदा करना अपने आप में ही एक महान कार्य है, धन्य है वो माँ जिन्होंने इतने बड़े प्रधानमंत्री जी को पैदा किया हुआ है, जिन्होंने जिनकी बदौलत प्रधानमंत्री जी इस दुनिया में आए हैं और आज सारी दुनिया को संभाल रहे हैं। सारी दुनिया को संभालने का मतलब यही है कि सारी दुनिया में एक छत्र राज है, यहाँ तक कि भारत के तो प्रधानमंत्री हैं ही लेकिन सारी दुनिया में उनका बोलबाला है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सारी दुनिया को संभाल रहे हैं। ये गंगा के ताज़े दर्शन, और कितने बढ़िया बढ़िया दर्शन कर रहे हैं आप लोग, ऊपर से लाइट का प्रतिबिंब पड़ता हुआ गंगा के अंदर और कलकल ध्वनि में गंगा आगे बहती हुई। ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप कीजिए गंगा जी के दर्शन और हम ले चलते हैं आपको
मेन घाट पर जहां पर हो रहा है आज श्रद्धांजलि का अर्पण। ज्योत जलाकर आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है ये लाइटों के साथ। ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के पास ही ये गंगा जी के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। और हरिद्वार के घाटों की मुख्य विशेषताओं के साथ सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ हैं। ये यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं घाट के करीब और सभी कार्यकर्ता अपने हाथों में दिए लिए हुए हैं और दिए को ये समर्पित करेंगे, ज्योत को समर्पित करेंगे। एक विनम्र श्रद्धांजलि है भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से। और क्योंकि भाजपा परिवार अपने आप में एक परिवार है और हम पूरे हिंदुस्तान एक परिवार है, उस परिवार के तहत हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री की वो माँ है तो हमारी भी माँ है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें, ज्योत जला के करें या किसी भी तरह से पुष्प चढ़ा के करें। हमें श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो सौभाग्य प्राप्त होना ही चाहिए था और हमें करना ही चाहिए था। तो इस तरह से जो है कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है यहाँ पर। भैया अभी बात करता हूँ भैया। प्रेम प्रेम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को आज यहाँ श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जी, यहाँ पर हमारे सारे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सारे नेता यहाँ मौजूद हैं। देखिए जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का कल रात 3:30 बजे निधन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी बगैर किसी तामझाम के और बगैर किसी को बहुत ज़्यादा सूचना दिए गई अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे अहमदाबाद। और उन्होंने आग्रह किया कि कोई भी VIP वहाँ पर नहीं पहुँचेगा। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे दिन के शेड्यूल को कोई भी कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया और अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन किया। पश्चिमी बंगाल में वर्चुअल रूप से जुड़ते हुए जो आज उनके कार्यक्रम थे वो सारे पूरे किए और उन्होंने एक प्रेरणा देने का काम किया सारे देशवासियों को कि हमें भी अपने कर्तव्य से जो भी हम कर पाएँ वो हमें करना चाहिए। तो समस्त परिवार ने जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री को और अपनी माता श्री को। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़।